वेलकम बैक। हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। ऑल फ्रीलांसर्स आर वेरी अपसेट एंड वेरी वरीड बिकॉज देर इज नो ऑर्डर नाउडेज। सो दे नीड नो वरीड माई फ्रेंड। टुडे आई हैव ब्रिंग अ न्यू वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न। It's same like Fiverr and Upwork, and it's also free. And one more thing, the markup of that site is very low. So if you want to do work, you can just go there, create an account and start working. जी मेरे दोस्तों, freelancers बहुत परेशान हैं, मुकाबला बहुत सख्त है और फ्रीलांसर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अब इसका हल आपके लिए आज मैं ढूंढ के लेके आया हूँ। वो क्या है, जिस तरह आप लोग फाइवर अपवर्क पे जाके काम करते हैं, इसी तरह का एक नया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप काम करेंगे कर सकते हैं, सेम उसी तरह जैसे फाइवर और अपवर्क पे करते हैं, और इस प्लेटफॉर्म से आप पैसे भी कमा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इस प्लेटफॉर्म का मार्कअप फाइवर और अपवर्क से कम है, तो आपका तो कुछ नहीं ला जा रहा, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। ट्राई करें इस साइट को, अपना अकाउंट बनाएं, अपनी गिग बनाएं, अपलोड करें, ऑर्डर मिलेगा, काम करें और एंजॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने ब्राउजर पे जाके लिखा है www.upmychain.com। तो कैनवा फाइवर की कराएं छुट्टी और करें अप माई चेन पे काम। अप माई चेन ओपन करते साथ ही आपके सामने ये इसका मेन पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। मेन पेज में आपने क्लिक करना है ज्वाइन फ्री पे। जैसे आप ज्वाइन फ्री पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इसका पेज आएगा जहाँ पे ये आपसे पूछेगा साइन इन और ज्वाइन नाउ। आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना, ठीक है। जैसे आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा जहाँ पे वो कहते हैं आपको ज्वाइन फॉर गुड रीजन, ठीक है जी। वहां पे आप अपना फर्स्ट नेम दें, लास्ट नेम दें, ईमेल दें। ठीक है जी, यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ। और स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया, वो कहता है सिलेक्शन सिलेक्ट लोकेशन, तो मैं पाकिस्तान, मैं यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करूँगा, ठीक है ना। और यहाँ पे पासवर्ड दूंगा, इधर भी पासवर्ड दूंगा, और उसके बाद स्टार्ट एज। स्टार्ट एज पे आपने सेलेक्ट करना है क्लिक करके, ये सॉरी, स्टार्ट एज एम्प्लॉयर है और फ्रीलांसर है। एम्प्लॉयर हमने नहीं सेलेक्ट करना, हम फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर पे क्लिक करके इस चेकबॉक्स को चेक करना है, टिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा आपके पास एक वेरिफिकेशन का कोड भेजा है, तो वो कोड आप इधर सबमिट करें, ठीक है। तो आप अपने ईमेल में जाएं, वी हैव सेंट अ वेरिफिकेशन कोड ऑन योर ईमेल,
आप अपने ईमेल पर जाएं, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन का कोड आया होगा, वहाँ से कोड उठा के इधर लिखें, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, लेकिन कोड आ जाएगा आपको, आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। मेरा अभी कोड नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो ये इसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं है, कोई आपके पैसे नहीं लग रहे, ठीक है, कोई आपने इसमें पैसे खर्च नहीं करने, ठीक है, जस्ट आपका फायदा ही फायदा है। अभी तक कोड नहीं आया, आपको 4 वर्ड का कोड आएगा ऐसा RTWJ, ठीक है ना। जैसे आपको कोड आए, आप कोड को सेलेक्ट करें और कंटिन्यू करेंगे, ये आपका आगे इस पे चल पड़ेगा। मैं रीसेंट वेरिफिकेशन कोड करता हूँ, ठीक है, हो सकता है बाज़ूकात सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा हो, अगर अभी आ जाता है तो वेल एंड गुड। अभी थोड़ी देर में जो है ना कोड आ जाता है, तो इसमें कोड एंटर करके तो हम आगे इसके कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम इसके कोड को एंटर करेंगे तो ये मेन इंटरफेस पे चला जाएगा। जी, इसका मैंने आपने अपना जाके जंक मेल भी चेक करना है, ठीक है ना। बाजू का स्पैम में, जंक में भी मेल आ जाती है, तो ये मेरे जंक मेल में आई हुई है मेल, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से कोड को लिखता हूँ, मेरे कोड आ गया हुआ है, कोड है H35A और कंटिन्यू। तो स्पैम में जाके इसको मैं कहता हूँ ये स्पैम नहीं है, क्योंकि मेरे पास ये काम की मेल है मेरी, ठीक है ना। ले जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, यू कैन गॉट टू योर डैशबोर्ड पेज बाय क्लिकिंग ऑन द गॉट डैशबोर्ड। ले जी, मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे डैशबोर्ड पे ले जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ले जी। अब वो कह रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पोस्ट आर सर्विस, फाइवर पे आप गिग पोस्ट करते हैं, उसको इधर पोस्ट आर सर्विस का नाम है, सेम लाइक फाइवर, वहां पे पोस्ट आर गिग है, यहाँ पे पोस्ट आर सर्विस है, ठीक हो गया। फिर कह रहे ज्वाइन अस अप माई चेन क्लब फ्रीलांस, ये आपने अगर ज्वाइन करना आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपको वहाँ पे जैसे आप कह सकते हैं कि ब्लॉग है इनका, वहाँ पे आपको लोग मिलेंगे कन्वर्सेशन करने के लिए, काम भी हो सकता है मिल जाए। तो उसके बाद ये देखें, कहता है लेटेस्ट
लीजिए, डैशबोर्ड आ गया हमारा, और यहाँ पे अब आप ये थ्री लाइंस आपको नजर आ रही हैं, इस पे क्लिक करें तो ये जिसका बना उसके नेम पे है, ठीक है, ये डैशबोर्ड है, नोटिफिकेशंस है, इनबॉक्स है, सेटिंग्स है, प्रोजेक्ट है, इनवॉइसेस है, सर्विसेज है, प्रपोजल्स है, पे आउट है, रेफर एंड अर्न है, माय सेव्ड आइटम्स है, वैलेट ट्रैकिंग है, रॉयल्टी वैलेट ट्रैकिंग है, लॉग आउट है, लॉग आउट से मेरे याद अगर आपने क्लोज कर लिया था। उसके बाद आपने जल्द सेटिंग्स के अंदर, ये बड़ी सेटिंग्स, सेटिंग्स में जाएं और जाके अपने प्रोफाइल की सेटिंग करें सबसे पहले, ठीक है जी। मैंने प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक किया, ये ओपन हो गया, ठीक है, प्रोफाइल सेटिंग दें आप, अपना नेम, कंट्री कोड, पासवर्ड, एजुकेशंस, ये देखिए पर्सनल डिटेल्स एंड स्किल्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहले पर्सनल डिटेल लेते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम पर्सनल डिटेल्स इसको देंगे, ये आ गया, कहता है योर डिटेल्स, सिलेक्ट जेंडर, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर कौन सा, मेल है के फीमेल है, ठीक है, नेम हमने लिखा हुआ है, जेंडर हमने नहीं था दिया, वहां पे सिंपल सा आया था तो हमने उसको साइन अप कर लिया था। तो जेंडर में मेल फीमेल हम बताएंगे उसको कि जी मेल है या फीमेल है, ठीक है। उसके बाद अगर नेम ठीक लिखा हुआ तो ठीक ही है, अगर उसमें कोई करेक्शन करनी है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए जेंडर हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर रहे हैं और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ये आ गया, यहाँ पे आप जेंडर बताएंगे, मेल है फीमेल जो भी है, नेम ठीक है, सिलेक्ट योर सर्विसेज ऑर्ली, ठीक है ना, आप इधर उसको बताएंगे कि आप $5 पर आवर लेंगे, यहाँ पे $5 लिख दें या $10 लिख लें, जो आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ पे बता रहा है क्या, 1 घंटा, 1 घंटे के $5, ठीक है ना, सिलेक्ट विजिबिल रेट, विजिबिलिटी ऑर्ली रेट, घंटे के हिसाब से रेट है, ठीक है, ऐड योर टैगलाइन, ऐड योर टैगलाइन में आप बताएंगे जी आप फ्रीलांसर हैं, ठीक है, और आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में आप बताएंगे हेलो माय नेम इज दिस दिस दिस, ठीक है, और मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और मुझे इस काम का मैं एक्सपर्ट हूँ, ग्राफिक डिजाइनिंग में मैं एक्सपर्ट हूँ,
ठीक है, उसमें आप अपनी स्किल्स बताएंगे, जो जो स्किल्स आपके पास हैं, जो जो आपको बताई हैं, ठीक है, वो सारी स्किल्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे, सिलेक्ट अ फाइल, पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ से। यहाँ से आप बैनर अपना अपलोड करेंगे, बैनर आप कैनवा में जाके बनाएं, ये उसका साइज दिया हुआ है, ठीक है, इस साइज का बैनर कैनवा में बनाएं और वो इधर आके अपलोड करके इसमें लगा दें, जो आपकी तस्वीर के पीछे आएगा, ठीक है, यहाँ से अपलोड कीजिएगा, यहाँ वो आपका बैनर भी अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको बताना, ये आपका जो अकाउंट है ये प्रोफेशनल है या कंज्यूमर है, तो आपने कंज्यूमर करना है, प्रोफेशनल नहीं करना है। प्रोफेशनल करेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, वो जिप कोड के बाद आपको कहेगा अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर दो, तो टैक्स रजिस्ट्रेशन तो किसी के पास नहीं है, तो आपने कंज्यूमर पे क्लिक करना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अपने एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे जिप कोड देना है आपने अपना, ठीक है, और एवरेज रिस्पांस टाइम 1 घंटा, 1 घंटे रहने दीजिएगा। फिर माई स्किल्स है, यहाँ पे आप अपनी स्किल्स बताएंगे उसको कि आपको कौन कौन सी स्किल्स हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, विंडोज़ है, आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करके अपनी स्किल्स को जो है ना बताएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद वीडियो लिंक अगर आपने शेयर करना है, ठीक है, नहीं करना कोई मसला नहीं, और सेव एंड अपडेट पे क्लिक कर दें, ठीक हो गया। जैसे आप सेव एंड अपडेट करेंगे, ये सारी चीज़ें आपकी अपलोड कर देगा। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन है, ठीक है, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन में जाएं और वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन बताएं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, तो वो आप उसके अंदर डिफाइन करेंगे, जो जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका एक्सपीरियंस है ग्राफिक्स डिजाइनिंग से रिलेटेड, ठीक हो गया। उसके बाद उसको भी आपने सेफ एंड अपडेट कर देना। प्रोजेक्ट्स एंड अवार्ड, अगर आपने रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप इधर अपलोड करके देंगे कि जी ये मैंने काम किया था, ठीक है, और ये उसका प्रूफ है, ठीक हो गया, वो आपके लिए बेनिफिट है। बेनिफिट इसलिए कि जैसे आपने असाइनमेंट्स जो सबमिट करवाई थी, वो आपको मैंने कहा था कि संभाल के रखिएगा, आपके काम आएंगी स्टार्ट में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, कि आप कहाँ से अपना डाटा इकट्ठा करेंगे, क्या करेंगे, तो वो आपको असाइनमेंट्स मैंने जो बताई थी, वो आपने अगर आपके पास हैं, जो आपने काम किया हुआ है, वो आप अपलोड करेंगे एडा प्रोजेक्ट में जाके, और सेफ एंड अपडेट, ठीक है। तो ये आपका काम इसमें इतना ही है, काम इसके अंदर फिनिश है यहाँ, ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मज़ीद वीडियो के लिए मुझे ज्वाइन करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।